Hello everyone, welcome back to the series of foundation chemistry class 9th. So student, in the last section, or you can see in the last lecture, that was introductory lecture for foundation chemistry, that was same for both class 9th and 10th. In that lecture we tried to link all the topics which we are going to learn in class 9th and class 10th. So let us start with the class 9th first chapter, which is matter. So very first word we need to learn here is matter. So last class mein maine aap sabhi ko ye word matter ke bare mein bataya tha ki matter kya hota hai, lekin once again hum shuru se start karenge. Matter in our surrounding, agar aap is topic ko dekhe, matter in our surrounding, darasal ye topic jo hai ye baat kar raha hai ki hamare aas paas jo bhi matter hai उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो सराउंडिंग्स का मतलब आप सभी जानते हैं. मैटर का जो है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर क्या होता है. तो पहला वर्ड जो हमारे सामने इस वक्त है वो है मैटर. सो व्हाट इज मैटर? बेसिकली एनीथिंग विच हैज mass and occupies space is called matter. तो I hope आपको definition clear हुई होगी. मैंने बोला है matter कुछ भी हो सकता है जो space occupy करता है, जिसका अपने एक volume है और जिसके अंदर mass है, जिसके अंदर particles हैं. ठीक है, तो जिसके पास mass हो और जो रियल वर्ल्ड में वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटर. नाउ मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूं आपके लिए, जिससे आपको थोड़ा सा ये वर्ड क्लियर होगा मैटर. तो इफ आई आस्क यू, चॉक क्या ये मैटर है? यस, चॉक का मास होता है और ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करता है रियल वर्ल्ड में, तो ये मैटर है. देन लेट अस टॉक अबाउट वाटर. वाटर मैटर है? यस, वाटर का भी मास होता है, ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है रियल वर्ल्ड में, ये भी मैटर है. देन लेट अस टेक द केस ऑफ नोटबुक. क्या मैं इसको मैटर बोल सकता हूं? यस, इसका भी मास है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है. स्मार्टफोन्स, आई होप आज के डेट में सभी के पास होगा. ठीक है, जिसके पास नहीं है दैट इज मच बेटर, क्योंकि मैं ज़्यादा फोन से दूर रहना चाहिए, वहाँ से पढ़ाई के पर्पज से ही यूज़ करना चाहिए. तो स्मार्टफोन्स क्या मैटर है? बिल्कुल है, इसका भी मास होता है, ये भी रियल वर्ल्ड में स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसका भी वॉल्यूम है. क्या फीलिंग्स को मैटर बोल सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या हम फीलिंग्स को मैटर बोल सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल हेट्रेड, इफ आई हेट समवन, किसी प्रति मेरे अंदर नफरत है, तो क्या वो मैटर होगा? नो, बिकॉज हेट्रेड कोई मास नहीं होता एंड नीदर इट ऑक्यूपाइज एनी वॉल्यूम, है ना? ये तो आपकी मन की फीलिंग्स हैं, रियल वर्ल्ड में इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, रियल वर्ल्ड में कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, ये आपके माइंड में स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, तो हमें किसी के लिए भी हेट्रेड नहीं रखना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट फीलिंग इज लव. So can we say love is a matter? No, because again it does not have any mass and it neither occupy any space in the real world. ये दोनों ही नहीं होते, तो ये भी matter नहीं है. ठीक है, तो आई होप आप सभी को matter word समझ में आया होगा. ठीक है, तो this is all about matter. Matter कुछ भी हो सकता है जो space occupy करता हो और जिसके अंदर मास हो. आई होप द वर्ड मैटर इज क्लियर. सो नाउ विल बी मूविंग टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर. सो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम पढ़ेंगे व्हिच इज मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल विच आर
वेरी वेरी स्मॉल। तो मैंने कहा है कि जो आपका मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने एक बीकर लिया, ठीक है, और इसमें 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है। नाउ आई पुट टू स्मॉल क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इज Ke-4। इट इज रिटन एज पोटेशियम पर मैग्नेट। And you will see, after putting these two small crystals of potassium permanganate, you will see after some time that this 100 ml of potassium, this 100 ml of water is completely turned into dark pink color. Or you can say purple color. Okay. Now, I take another beaker. उसमें मैंने क्या लिया, वाटर ले लिया एज इट इज, कितने 90 ml लिया है। इसमें से 10 ml सॉल्यूशन मैंने क्या किया, इसमें डाला। देन यू सी कि ये भी क्या हो जाएगा, पर्पल होगा, बट लाइट पर्पल, ठीक है। बेसिकली जो इंटेंसिटी है कलर की, यहाँ पे काफी काफी डीप कलर्स थे, यहाँ पे वो कलर लाइट हो गया है, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, एक और भी कर लिया, उसमें 90 ml वाटर लिया, इसमें से 10 ml उसमें डाल दिया, क्या होगा, अगेन यू विल सी कि ये पर्पल होगा, लेकिन अगेन और ज्यादा लाइट कलर आएगा इसमें, ठीक है। अगेन आपने एक और भी कर लिया, उस बीकर में 90 ml वाटर लिया, ठीक है, और 90 ml वाटर में इसमें से 10 ml सॉल्यूशन आपने इसमें डाल दिया, अगेन यू विल सी इसमें भी हल्का हल्का लाइट कलर आने वाला है। कैन यू सी वन थिंग कि हो क्या रहा है यहाँ पे, दरअसल हो ये रहा है कि जो दो क्रिस्टल्स थे पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो दो क्रिस्टल से पोटेशियम पर मैग्नेट के, वो मिलियंस ऑफ पार्टिकल से बने हैं, ठीक है। तो मैंने बोला है कि आपका जो पोटेशियम पर मैग्नेट दो क्रिस्टल है वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनता है, क्योंकि जब मैं यहां बोलता हूं लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वहां पर 10, 20 हजार, 1 लाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं 1 cm का कॉपर का रॉड लूं, इस 1 cm के कॉपर के रॉड में करोड़ ऑफ कॉपर के एटम अगर मैं इस तरह से अरेंज कर चालू कर दूं, तब जाके ये 1 cm का कॉपर का रॉड बनेगा, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर कि मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ which are very very small, ठीक है। तो this is the first characteristic of matter, that matter is made up of particle which are very very small। यही जो word particle है, ये particle is further studied as atom and molecule in the third chapter। Now let's move to the next characteristic। So now next characteristic is particle of matter have spaces between them। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बोला है कि जो मैटर जो है वो पार्टिकल से बनता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनता है, और उन पार्टिकल्स में स्पेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक बीकर लिया, मैंने एक लेवल मार्क कर दिया,
इसमें मैंने वाटर ले लिया, ठीक है। नाउ मैंने इसमें क्या ऐड किया, शुगर क्रिस्टल्स, कितना, एक स्पून, ठीक है। अब होगा क्या, ये जो इनिशियली मैंने लेवल जो मार्क किया था, वाटर थोड़ा सुपर बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि सॉलिड ने वाटर को डिस्प्लेस किया होगा। अब क्या करना है, हमें इस शुगर के क्रिस्टल को डिसॉल्व करना है स्टेरर से। तो मैं क्या करूँगा, इस वाटर के अंदर शुगर के क्रिस्टल्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसको करने का मुझे स्टर करना है, स्टर करने आफ्टर सम टाइम यू विल सी कि जितना भी शुगर है वो डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। अगेन चेक द लेवल विच यू हैव मार्क्ड अर्लियर, अगेन यू विल सी कि जो इनिशियल लेवल था वाटर का, इनिशियल वॉल्यूम था वाटर का, दैट इज इक्वल टू द फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर ऑल द शुगर क्रिस्टल इज डिसॉल्व्ड। इससे हमें ये मालूम पड़ता है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम पड़ता है कि जो आपका जो मैटर है उनके बीच में स्पेसेस अवेलेबल है, इसीलिए शुगर के क्रिस्टल्स जो हैं यहाँ पे अकोमोडेट हो गए। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर, दैट पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूस मोशन। तो मैंने आपको बताया है कि जो आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में हैं, दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ठीक है। हम इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए हमें एक फेनोमेनन समझना होगा, दैट इज डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज अ स्प्रेडिंग आउट and mixing of substance into each other of its own is called diffusion। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला है कि डिफ्यूजन एक फेनोमेना है जहां पे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर अपने आप मिक्स हो जाता है। अपने आप इसलिए मिक्स होता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए हम उसी एग्जांपल को दोबारा उठाते हैं, स्प्रेडिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट इन दी वाटर। अगर आप सभी को याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, मैंने एक बीकर लिया था, उसमें बॉटल लिया था और पोटेशियम परमैग्नेटिक क्रिस्टल्स डाल दिए। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो वाटर के पार्टिकल्स हैं दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, ठीक है। और ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके अंदर भी मोशन होगा, दो बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू द वाटर पार्टिकल, बट दे विल ऑल्सो विद मोशन। उससे क्या होगा, दे विल कोलाइड विद ईच अदर। तो बेसिकली एक शुगर पोटेशियम पर मैग्नेटिक क्रिस्टल जो है वो एन नंबर ऑफ कोलिजन एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ से 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 कर रहा है। इस किस कोलिजन कारण क्या होगा, इट विल ब्रेक इनटू पीसेस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बोला है कि आपका जो पोटेशियम पर मैग्नेटिक पार्टिकल है ड्यू टू motion of particles in the water and the potassium permanganate, it will experience large number of collision, and due to that large number of collision it will break into pieces, and if it breaks into pieces it will be distributed throughout the mixture। So, ab observe karenge is diffusion process ke karan, continuous motion of particle ke karan पोटेशियम पर मैग्नेटिक पार्टिकल छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएंगे और चारों ओर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अंडरस्टूड, दिस एग्जांपल कैन बी यूज्ड टू से दैट पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, हम सभी पूजा तो करते ही बेटा, है ना।
तो जब हम पूजा करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इंसेंस स्टिक यूज करते हैं, है ना, स्टैंड पे लगा के चले जाते। तो यू हैव ऑब्जर्व कि उसकी खुशबू है जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स हैं दे आर इन कंटिन्यूस मोशन, ठीक है। ड्यू टू दैट जिसके पार्टिकल्स है वो हवा में मौजूद पार्टिकल से कोलाइड करेंगे, उस कोलिजन के कारण आपका जो ये पार्टिकल है वो चारों ओर फैल जाएगा, ठीक है। तो अगला कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस इज आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। हम इस एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ठीक है। आप सभी ने चॉक को तोड़ा है कभी? बहुत इजीली टूट जाता है ना, आराम से टूट जाएगा, है ना। तो चॉक को तोड़ना आसान है, लेकिन अगर मैं ये आप सभी को आयरन का एक रॉड दे दूं तो क्या आप आयरन के रॉड को उसी तरीके से तोड़ पाएंगे जिस तरीके से आप सभी उसको तोड़ पा रहे थे? नो, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रेक आयरन रॉड एज वी आर ब्रेकिंग दिस चॉक। तो चॉक को तोड़ना आसान है, आयरन रॉड को तोड़ना आसान नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं दैट हैव वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो आयरन के पार्टिकल्स हैं दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर द फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। लेट अस समराइज दीज फोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। सो टिल नाउ, we have dealt with these four points in the characteristic of matter. We learned that matter is made up of very very tiny particles, यानी कि किसी भी मैटर को आप एक छोटे से पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल भी अगर आप उठाएंगे तो उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। उसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी समझ ली। अगर आप मैटर की बात करें उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होते हैं, इसके लिए मैंने शुगर क्रिस्टल्स का एग्जाम्पल दिया। इफ आई टॉक अबाउट मोशन ऑफ पार्टिकल आई सेड दैट दे आर इन मोशन। इसके लिए मैंने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया डिफ्यूजन का। आई होप आप सभी को समझ में आया वो। देन वी डिस्कस्ड अबाउट पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट सॉरी देन वी डिस्कस्ड अबाउट पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जहाँ पे मैंने चौक का और आयरन रॉड का एग्जाम्पल लिया, वहां से हमने समझने की कोशिश करी कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी कर सकता है मैटर टू मैटर, कहीं पे वीक होगा कहीं पे स्ट्रांग होगा। तो आई होप आप सभी को मैटर टर्म क्लियर हुआ है, मैटर क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।